पर दिखाई दे रहा ये शख्स अब पुलिस की गिरफ्त में है। ये वो शख्स है जो फरीदाबाद में एक अच्छी जॉब करता था, लेकिन किसी वजह से कंपनी में से जॉब छूट गई तो इस शख्स को परिवार चलाने में परेशानी होने लगी। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी स्कूल फीस नहीं दे पा रहा था क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे, इसलिए इस व्यक्ति ने लूट की वारदात करने की सोची। बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए शख्स फरीदाबाद से पानीपत आ पहुंचा, सिर्फ इसलिए ताकि वो लूट की वारदात को अंजाम दे सके। आज जीटी रोड पर एसबीआई बैंक में एक बुजुर्ग महिला पैसे निकलवाने के लिए गई तो ये शख्स बैंक के अंदर ही मौजूद था कि तभी उसने बुजुर्ग महिला को मदद का भरोसा दिलाया और चेक भरने में बुजुर्ग महिला की मदद करने लगा। बुजुर्ग महिला ने भी विश्वास किया और उसे चेक भरने को कहा। व्यक्ति ने 50,000 के फार्म के साथ 2.5 लाख का एक और चेक भी भर दिया। फार्म भरने के बाद बुजुर्ग महिला से साइन भी करवा लिए और उसके बाद वो 50,000 रुपए लेकर बैंक से भागने लगा कि तभी बुजुर्ग महिला ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके बाद बैंक की बाहर खड़ा गार्ड उसके पीछे भागा कि तभी आगे खड़े पुलिसकर्मी ने शख्स को पकड़ लिया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी का कहना है कि आरोपी से 49,000 रुपए सहित 30,000 रुपए अलग से मिले हैं। अरे इसने 50,000 रुपये कटवाए थे, वो खोज के बाहर भाग लिया, एसबीआई के गार्ड के पीछे लगे, अगर रेलवे कटपम थे वहाँ इसको पकड़ लिया। कितने पैसे बरामद हुए? इसके पास से 49,000 रुपये अलग से और 25 थे जी, 30,000 रुपये अलग से, इसको 79,000 रुपये बरामद हुए इस लड़के से। क्या आपको जानकारी मिली है, कौन है वो, कहां से है? ये बता रहा है अपने आप को राजकुमार सनोब दलीप कुमार कोमपाल बंगाली बाग झारखंड बता रहा है, झारखंड का। वही पीड़ित बुजुर्ग महिला ने बताया कि वो पैसे निकलवाने आई थी, व्यक्ति ने उसकी मदद के बहाने उसके पैसे निकाल लिए कि तभी उसने चिल्लाना शुरू कर दिया तो पुलिसकर्मी ने उसे पकड़ लिया। ये आप क्या मुझे कह रहे थे मैं फार्म भर देता हूँ, तुम्हारे पैसे निकलवा देता हूँ, और मुझे कह रहा साइन करवा दो, मैंने साइन कर दिया और 2.5 लाख का चेक मेरा होर भी भर दिया। फिर मैं वहाँ पैसे लेके आई, मेरे 2 नोट 500 के निकालने, मैंने भाई ये असली है। हाँ मुझे अगर हम ज़्यादा कह रहा यहाँ बैठ जा, आप इधर को निकल गया, मैंने रोला डाल दिया, मैंने भाई मेरे पैसे लेके भाग गया। ये पैसे आपने निकलवाए थे? हाँ, 50,000। वही गिरफ्तार आरोपी शख्स ने बताया कि वो फरीदाबाद से यहाँ पर लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए आया था ताकि वो अपने बच्चों की फीस भर सके। आप आए होंगे सर, जॉब करते थे पहले मित्रा प्राइवेट लिमिटेड फरीदाबाद में, वहाँ से कोविड के लिए सारे स्टाफ को निकाला गया था, उसके बाद जॉब की कोई सिलसिला नहीं आ रही थी और स्कूल फीस के लिए भी थोड़ा सा ओवरलोड था। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? जी बच्चे हैं, एक स्कूल है। कौन से स्कूल? मदर स्प्राइट फरीदाबाद। क्या तो लिए साहब आए, तो वहाँ से तुम यहाँ क्या करने आए? बाइक लेकर वहाँ से यहाँ क्या करने आए थे? सर गलत काम है, गलत काम। नहीं गलत काम मतलब यहाँ क्यों फरीदाबाद में क्यों नहीं कर रहा था सर? रोड पे आते जाते लोग पहचानना नहीं। फिलहाल इस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। तो आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह। Yes, fight is the right choice for you. Yeah,
कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय है। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किस्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर कूलिंग में नंबर वन। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक जीटी रोड पानीपत 9812145।